Hello student, in this video we are discussing microbes as a biocontrol agent. Student, हम बात करें तो हमारे एग्रीकल्चर में हम जो भी क्या करते हैं तो अच्छे से क्रॉप आए, इंसेक्ट या अन्य कोई पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स जो हो वो हमारे जो भी क्रॉप हो उसे हम ना करें, इसलिए हम क्या करते हैं तो बहुत सारे फर्टिलाइज क्या करते हैं तो पेस्टिसाइड्स, देन इंसेक्टिसाइड्स, एस्बिडिसाइड्स, ऐसे बहुत सारे केमिकल्स यूज करते हैं। तो ये केमिकल्स क्या करते हैं, ये केमिकल्स नॉट ओनली हमें सॉइल को, हमारे एनवायरमेंट को, सबको हार्म करता है, क्योंकि ये केमिकल्स जो है इंसेक्ट के साथ साथ सराउंड एनवायरमेंट को भी इम्पैक्ट करेगा, राइट? तो हमारे फ्लोरा फौना दोनों को एक इफेक्ट करता है। केमिकल अगर हमारे एनवायरमेंट में आता है, सॉइल में गया, सॉइल में से प्लांट भी, प्लांट में से ह्यूमन के अंदर, तो वो कहीं ना कहीं एक चीज के फॉर्म में हमारे साथ रहेगा और हमें हार्म करेगा, राइट? तो नाउडेज हम ये केमिकल्स का यूज ना करें और बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट, उसमें पेस्ट एंड डिजीज को कंट्रोल करने के लिए हम दूसरे जो इंसेक्ट है या बैक्टीरिया है या फंगी है उसे यूज करके केमिकल्स का यूज कम कर सकते हैं। तो हम आगे स्टडी करेंगे कि कौन से ऐसे बायो एजेंट है जिसका यूज हम ऐसे पेस्ट एंड डिजीज कंट्रोल में कर सकते हैं। तो फर्स्ट है कि ये तो लेडी बर्ड एंड रेडन फ्लाइज, हम नॉर्मली क्या करते हैं कि इंसेक्टिसाइड्स डाल देते हैं तो क्या होता है, सारे इंसेक्ट खत्म हो जाते हैं, बट सम ऑफ द इंसेक्ट ऐसे भी होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल है। वन ऑफ दिस एग्जांपल हियर कि लेडी बर्ड एंड रेडन फ्लाइज, ओके, ये जो है वो एफी एंड मॉस्किटोस को भगाता है, राइट? तो अगर हम ऐसे गुड इंसेक्ट को रहने दें, क्योंकि ऐसे गुड इंसेक्ट हमारे लिए हेल्पफुल भी है जो कि डाइट ऑफ एफिस एंड मॉस्किटोस, मॉस्किटोस को भगाता है, ओके? तो ध्यान रखना स्टूडेंट, ये सारी चीजें शॉर्ट क्वेश्चंस एंड एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके? लेडी बर्ड एंड रेडन फ्लाई क्या करता है, एफिस एंड मॉस्किटोस को खत्म करता है, भगाता है। अब हम यहाँ पे बायो कंट्रोल एजेंट की बात कर रहे हैं, तो बायो एजेंट में हम माइक्रोब्स के बारे में बात करें तो आप लोगों ने बीटी कॉटन के बारे में सुना होगा, ओके? बीटी ब्रिंजल नाम है, बहुत सारे ऐसे चीज जो है स्पीसीज फॉर्म हुई है। तो ये बीटी क्या है, तो ये एक यहाँ पे बीटी का मतलब है ब्रासिकास बैक्टीरिया, समझो। यहाँ पे हम बीटी कॉटन का एग्जांपल ले तो कॉटन एक नॉर्मल प्लांट था जिसके अंदर हमने क्या किया, तो बैसिलस थुरेंजेनेसिस के पास एक स्पेशलाइज टाइप ऑफ प्रोटीन था जो कि इंसेक्ट को हार्म करता है, तो इस बैक्टीरिया का जो जीन था वो कॉटन के अंदर डाल दिया, तो अभी नॉर्मल कॉटन बन गया बीटी कॉटन। अब जब हम कॉटन का प्लांटिंग करते हैं, इस बीटी कॉटन का जब उगाते हैं हम, तो इंसेक्ट जब आते हैं, ओके, तो इंसेक्ट जब आते हैं इसे खाते हैं तो क्या होता है, ठीक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि इंसेक्ट को मारने वाला ये जो प्रोटीन है वो प्लांट के पास है, राइट? इसके अलावा ये जो बैसिलस थुरेंजेनेसिस है, नॉर्मली क्या करते हैं, तो बैसिलस थुरेंजेनेसिस जो बैक्टीरिया है उसका सस्पेंशन बनाया जाता है उसका स्पोर का, और उसके स्पोर प्लांट के ऊपर स्प्रे करते हैं, तो क्या होगा, तो वो बैक्टीरिया प्लांट के ऊपर वो होंगे जब इंसेक्ट से खाता है तो क्या होगा, तो इंसेक्ट के अंदर जाएगा और इंसेक्ट से किल कर देगा, ओके? तो पहले के टाइम पे इस तरह से स्पोर को स्प्रे किया जाता था, बट नाउडेज जेनेटिक इंजीनियर टेक्निक इज मोर डेवलप्ड और
एजेंट की जरूरत नहीं है, सीधा प्लांट के पास ही ऐसी कैपेसिटी है कि जिसके हेल्प से वो क्या कर सकता है, तो जिसकी हेल्प से वो इंसेक्ट वहां कर सकता है। इस तरह से हम एडिशन कोई भी केमिकल के यूज किए बिना ही क्या कर सकते हैं, तो हमारे जो भी इंसेक्ट है उसके सामने प्लांट को बचा सकते हैं, राइट? डियर स्टूडेंट, तो एज अ बैक्टीरियल बायो कंट्रोल एजेंट, बैक्टीरिया कौन सा है? बैसिलस थुरिंजिनेसिस। ओके, तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस इनिशियल टाइम पे क्या किया जाता था, तो इसका सस्पेंशन स्प्रे किया जाता था। नाउडेज रिमोट टेक्निक्स की वजह से जो कॉटन के प्लांट है इसमें इसका जीन डाल दिया गया है, तो अब प्लांट के पास ही ऐसी कैपेसिटी है कि जिससे इंसेक्ट मर जाए। नेक्स्ट उसकी तरह ही सेकंड वन फंगी ट्राइकोडर्मा जो है वो भी नॉर्मली आपको प्लांट के साथ उसके हैबिटेट के साथ देखने को मिलेगी, जो प्लांट पैथोजन को किल करती है। ओके, तो फंगी प्लांट पैथोजन को किल करके सामने प्रोटेक्शन देती है। उसी तरह से हम द वायरस बक्टेरियो वायरस जिसकी जीनस है न्यूक्लियो पॉली हाइड्रो वायरस, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है कि जीनस न्यूक्लियो पॉली हाइड्रो वायरस, अगेन न्यूक्लियो पॉली हाइड्रो वायरस व्हिच इज जीनस ऑफ बक्टेरियो वायरस व्हिच इज अटैक इंसेक्ट एंड अदर आर्थ्रोपोडास। वायरस है बट दिस वायरस जो है वो किसी भी ह्यूमन या प्लांट या एनिमल या हमारे एनवायरमेंट में हार्मफुल इफेक्ट नहीं करता है। ओके, वो सिर्फ जो इंसेक्ट है फॉर्म ऑफ द आर्थ्रोपोडा है उससे ही वायरस इन्फेक्ट करता है। सो दैट दिस वायरस वेरी यूजफुल एज अ बायो कंट्रोल एजेंट फॉर द पेस्ट एंड डिजीजेस, राइट? तो यहाँ पे लास्ट में इन्फॉर्म किया है IEM इंटरमीडिएट पेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम, यहाँ पे जो भी गुड पेस्ट होती है उसे कंजर्व किया जाता है। जो हम एडिशनल पेस्टिसाइड्स और बहुत सारे जो केमिकल्स यूज करते हैं उसका यूज ना करें और ये सारे बायो कंट्रोल एजेंट का यूज करें, तो हम हमारे एनवायरमेंट को भी वो हेल्दी बना सकते हैं, जिससे ह्यूमन बींग को भी हार्म कम रहेगा, एनवायरमेंट के साथ जितने पूरे फूड चेन वेब में जुड़े हुए एनिमल्स है उसकी भी कम हार्म होगा, सबके लिए बेनिफिशियल रहेगा, राइट? स्टूडेंट, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द बीएससी एंड एमसीक्यू। सो ये है बीसीए, बहुत अच्छे से याद रखना कि तो लेडी बर्ड एंड लेजर फ्लाई को क्या क्या यूज है, तो एफिड्स एंड मॉस्किटो को बताता है। ओके, बैक्टीरियल बायो कंट्रोल एजेंट में कौन सा बैक्टीरिया है, तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस इनिशियली स्प्रे किया जाता था, बाद में प्लांट के अंदर ही इंजेक्ट कर दिया। ओके जी, तो प्लांट ही सीधा किल कर देता था इंसेक्ट को। अब नेक्स्ट बात करें फंगी ट्राइकोडर्मा जो कि प्लांट पैथोजन को हार्म करती है, वायरस कौन सा बबुलो वायरस जो कि इंसेक्ट एंड आर्थ्रोपोडा को हार्म करता है, किसी भी ह्यूमन या एनिमल को या प्लांट को इन्फेक्ट नहीं करता है, उसकी जीनस न्यूक्लियो पॉली हाइड्रो वायरस, राइट? एंड ये जो IPM है एसोसिएशन इस प्रोग्राम के थ्रू जो इंसेक्ट है उसे कंजर्व करते हैं। ओके स्टूडेंट,